तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्जन कंट्रोल के बारे में, और मैंने उसमें बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गिट के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको मैं गिट के बारे में बताता हूँ कि गिट क्या चीज़ होती है और कैसे काम करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्जन कंट्रोल जो होता है वो आपके ट्रैक करता है चेंजेस को, ठीक है, मतलब कि आप जो जो काम करते जाओगे ये उसको ट्रैक करता जाएगा, ठीक है। बट जो गिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड VCS है, मतलब कि DVCS है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि जो आपका कोड होगा, अगर आप दो डेवलपर काम कर रहे हो तो आपके कोड का सेम क्लोन आपके दूसरे डेवलपर के पास ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका डेवलपर जिस फाइल में काम कर रहा है सिर्फ उसके पास वही फाइल हो। अब जो दूसरे वर्जन कंट्रोल होते हैं उनमें क्या होता है कि उसके पास वही कोड होगा जो उसने काम किया है, ठीक है, बाकी का प्रोजेक्ट नहीं होगा, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट गिट में ये बेनिफिट होता है कि उसके आप दोनों के पास कोड पहले सिंक रहता है, आप दोनों के पास सेम तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ, लेटेस्ट चेंज बेशक नहीं होंगे जब तक मैं पुश नहीं करूँगा, बट एटलीस्ट आपके दूसरे डेवलपर के पास उतना प्रोजेक्ट तो होगा जितना प्रोजेक्ट आपका गिट पे पड़ा है, मतलब कि आप दोनों का कोड हमेशा सिंक होकर चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हो वो कुछ और कर रहा है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आपका सपोज इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब भी आप दोनों काम कर पाओगे क्योंकि आप दोनों के पास प्रोजेक्ट पूरा का पूरा पड़ा है। लेटेस्ट कोड बेशक नहीं है बट एटलीस्ट आपके पास पूरा का पूरा कोड पड़ा है, तो आप दोनों कुछ भी काम कर सकते हो और जब उसको कमिट करके रख सकते हो, और जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा आप उसको पुश कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा DVCS। तो बाकी जो गिट के फीचर वो सेम VCS वाले ही हैं, जो VCS हमें फंक्शनैलिटी देता था वो तो गिट ने अडॉप्ट किए। बस गिट का एक एडवांस फीचर ये था कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था, ठीक है, बस। और बाकी अगर इसके हम फीचर देखें तो वो ये बेनिफिट्स है इसके, पहला बेनिफिट तो वही है सेम कि ये आपके चेंजेस को ट्रैक करता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसका बेनिफिट है वो है कोलैबोरेट विद अदर्स, ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। इसको भी आप पिछली वीडियो में देख सकते हो कि कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं VCS के थ्रू, गिट के थ्रू भी सेम ही है, ठीक है। और उसके बाद बैकअप होता है हमारे काम का, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे हमारे काम का बैकअप रहता है सर्वर पे, ठीक है। तो ये तीन बेनिफिट तो हमने ऑलरेडी देख लिए थे VCS में, क्योंकि गिट और VCS तो सेम ही है। गिट जो है वो VCS को ही तो अडॉप्ट कर रहा है, तो मतलब कि गिट के पास VCS के फीचर तो हैं, बट गिट के पास VCS के अलावा कुछ अपने फीचर भी हैं। अब उन फीचर्स को हम देख लेते हैं, ठीक है ना, हम अपना टाइम उस पर क्यों वेस्ट करें जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अब आगे गिट का एक और फीचर है, वो है ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। अब देखो, अब गिट में क्या होता है कि आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो। अब ब्रांचेस का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बैंक की एग्जांपल लूँ तो बैंक में क्या होता है कि बैंक की ब्रांचेस होती हैं, हर एक सिटी में अपनी अपनी ब्रांच होती है, ठीक है। वो सब ब्रांच क्या करती है, उस सिटी को ही मैनेज करती है, ठीक है। उस सिटी को मैनेज करने के बाद वो सारा कुछ सेंड कर देती है एक मेन हेड ऑफिस में, ठीक है। वही सेम गिट करता है। अब गिट में भी ब्रांचेस होती हैं। अब ब्रांचेस का काम क्या होता है कि वो अपना एक तरीके से काम करेगा, ठीक है। आपको मैं वो व्हाइट बोर्ड में करके दिखाता हूँ। अब देखो, इसमें क्या होता है कि सपोज करो ये आपका एक गिट है, ठीक है। गिट को मान लो ये आपका सर्वर है जो मेन रूट है, ठीक है। या फिर कह सकते हो ये आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, मतलब ये वो एरिया है जो मेन कंट्रोल है। अब इसके अंदर कुछ ब्रांचेस होंगी, वो कैसे हो सकती है मैं आपको समझाता हूँ आगे। कैसे, मान लो एक कोई ये ब्रांच है B1, ठीक है, और यहाँ पे एक और ब्रांच है B2 है एक, और एक और है ब्रांच यहाँ पे जो कि है B3, ठीक है। अब क्या है कि ये तीनों ब्रांच उस गिट के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों ब्रांच अपना डेटा गिट के पास भेज सकती है, ठीक है। और अब ये ब्रांच का क्या बेनिफिट होता है कि हम अपने डिफरेंट काम के लिए अलग ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्रांच का मतलब है कि अगर सपोज करो आप, जैसे मैं पिछले एग्जांपल में आपको एज्यूम करवा रहा था कि आप एक वेब डेवलपर हो, और वेब डेवलपर हो मतलब कि आप वेबसाइट बनाते हो, ठीक है। और आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आपने एक होम पेज क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसमें एक सर्विसेज का पेज क्रिएट करना आपने, तो आप क्या करोगे, इस सर्विसेज के फीचर के लिए एक अलग ब्रांच बना दोगे, ठीक है। सपोज करो आप जो मेन ब्रांच में थे, जो B1 है, ये मेरी B1 ब्रांच थी जिसमें मैं काम कर रहा था, जिसमें मैंने होम पेज डन हो गया। अब मैंने क्या किया, इसी B1 से एक और ब्रांच बना दी मैंने, इसी को क्लोन करके,
ठीक है, उसका नाम मैंने रख दिया सर्विसेज, क्योंकि मैं सर्विसेज के लिए बना रहा था। अब सर्विसेज वाले ब्रांच में मैंने अपना सारा काम किया सर्विसेज करने का, ठीक है। अब सपोज करो कि ये सर्विसेज का जो फीचर हमने ऐड करना था वेबसाइट पे, उसको टाइम लग गया मेरे 5 दिन का, ठीक है। तो अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और दूसरे दिन अचानक से आपको आपके बॉस की कॉल आती है और वो कहते हैं कि जल्दी से मेन जो साइट हमारी लाइव है उसके होम पेज में छोटा सा चेंज करो और उसको लाइव करो, ठीक है। अब अगर आपने ये ब्रांच नहीं बनाई होती सर जी, आप मेन ही ब्रांच पे काम कर रहे होते और आपने सर्विसेज का आधा काम कर लिया था, क्योंकि 2 दिन तो आप हो चुके हैं, आपने सर्विसेज के एचटीएमएल आधा काम कर लिया, सीएसएस सर्विस कर दी, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और अचानक से कॉल आ गई आपको कि होम पेज का छोटा सा चेंज करके उसको लाइव करो। अब आपने क्या किया, होम पेज का आपने चेंज किया, उसको हमने लाइव भी कर दिया। अब जैसे आप लाइव करोगे यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। पहली मिस्टेक क्या होगी कि आपके सर्विसेज का काम भी चला जाएगा सर्वर पे, ठीक है, वो भी लाइव हो जाएगा। बेशक वो एक्सेसिबल आपने नहीं करवाया होगा, पर अगर बाय चांस वो किसी ने सर्विसेज खोल के देख लिया तो खुल जाएगा पेज, वो भी इनकम्प्लीट होगा, कम्प्लीट होता तो अलग बात थी, ठीक है। दूसरा क्या है कि हो सकता है आपने सर्विसेज के लिए जो चेंजेस किए हैं सीएसएस में, और वो हमारे होम के सीएसएस से कन्फ्लिक्ट कर जाए। हो सकता है होम पेज पे कोई बटन आपने बनाया था वो ग्रीन कलर का था, पर सर्विसेज में आपको वो येलो चाहिए था, और आपने सर्विसेज में उस गलती से उस बटन को येलो कर दिया, तो होम पेज पे भी वो येलो हो गया और आपने वो लाइव भी कर दिया। अब जब वो यूज़ करेंगे देखेंगे तो ये बटन का कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि अब आपका जो काम था वो सारा ख़राब हो गया। आपका मेन जो आपका होम पेज था वो आपने फुल टेस्ट किया होता, बट अब वो सर्विसेज वाली चेंज की वजह से आपका सारा काम वॉच पॉच हो गया। तो इससे बचने के लिए आपके पास कुछ तरीके हो सकते थे, जैसे कि हो सकता है कि आप उसको डिप्लॉय करने से पहले अपने सारे चेंज अंडू कर देते, जो आपने सीएसएस में चेंज किया था उसको अंडू कर देते कि चलो कम से कम आप होम पेज को डाल के फिर उसके कोड को बाद में देखोगे कि कैसे मैंने रीडू करना है, ठीक है, जो कि बहुत हेडेक वाला काम था, क्योंकि आपको नहीं पता था आपने सीएसएस में क्या क्या चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये तो सारा आपको खुद से मैनेज करना होता, बट अगर यही चीज़ आपने ब्रांच बना के की होती, ठीक है, तब क्या होता है कि अब आपने क्या किया था, आपकी मेन जो ब्रांचेस में होम पेज डन है, अब आपने क्या किया था, एक सर्विसेज के लिए अलग से ब्रांच बना दी, उस ब्रांच में आप सर्विसेज का काम कर रहे हो, ठीक है। 2 दिन आप काम कर रहे थे उस पर, अचानक से आपको कॉल आई कि भाई होम पेज पे ये छोटा सा चेंज करके डिप्लॉय द्वारा कर दो। तो आपने क्या किया, अपने सर्विसेज वाली ब्रांच से स्विच करके आप मेन ब्रांच पे आए, मेन ब्रांच में आपने चेंजेस की, चेंजेस करके आपने उसको डिप्लॉय कर दिया, फिर से आप सर्विसेज वाली ब्रांच में आ गए और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। इससे आपके होम पेज में कोई भी कन्फ्लिक्शन नहीं आएगी, क्योंकि आपका तो मेन काम सर्विसेज में हो रहा है, ठीक है, सर्विसेज वाला काम तो सर्विस में कर रहे हो आप। इस तरह से आप क्या करोगे, ब्रांच बना सकते हो, और ब्रांच बना के आप इसको मर्ज भी कर सकते हो, मतलब कि अब आज जब आपने सर्विस का काम कंप्लीट कर दिया 5वें दिन, तो बाद में आप क्या करोगे, इस सर्विसेज को मेन ब्रांच में मर्ज करोगे, ठीक है, इसको पुश कर दोगे यहाँ पे, ताकि अब इस मेन ब्रांच में लेटेस्ट काम आ जाए, ठीक है, और आपका अब जो मेन ब्रांच है उसमें होम पेज भी आ जाए और सर्विसेज का पेज भी आ जाए, जिसको आप प्रॉपर टेस्ट करोगे और डिप्लॉय कर दोगे, ठीक है, आपका टाइम बच गया। तो ये फ़ायदा होता है हमें गिट के अंदर, जो कि ब्रांचिंग और मर्जिंग है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि आगे क्या बेनिफिट होता है, फास्ट एंड एफिशिएंट। अब जो गिट है वो फास्ट बहुत है, वो क्या करता है कि वो छोटे से चेंज को ट्रैक करता है। अगर आपकी फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है और आपके प्रोजेक्ट में हज़ारों फाइल्स बड़ी हैं, तो ये आपके उस हज़ारों में से उस सिर्फ एक फाइल के उस पर्टिकुलर लाइन में जो आपने चेंजेस किए हैं सिर्फ उसको ट्रैक करेगा, ये आपकी बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देगा, इसको नहीं पता कि आपने बाकी चीज़ों में क्या क्या पढ़ा है इसको, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके पास सिंक पड़ा है, आपका जो मेन चेंज है वही उसके पास नहीं था, तो उसने उस सिर्फ उसी को ट्रैक किया और उस चीज़ को ट्रैक करके उसने अपने सर्वर पे पुश कर दिया, ठीक है। इसलिए ये क्या है, बहुत फास्ट है, क्योंकि गिट ने सिर्फ वो छोटा सा चेंज ही ट्रैक किया और उसको उसने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो है वाइडली सपोर्टेड। अब क्या है कि जो गिट है वो बहुत सारे IDE, मतलब कि जो हम एडिटर यूज़ करते हैं, कोड एडिटर, जैसे कि VS Code हो गया, एंड्रो स्टूडियो हो गया, सबलाइम टेक्स्ट हो गया, या और जो भी आप प्रेफर करते हो, अब क्या है कि ये सब में सपोर्टेड है गिट। कुछ में तो गिट पहले से ही आता है, कुछ में गिट को आप इंस्टॉल कर सकते हो, और जैसे VS Code है इसमें गिट पहले से आता है, एंड्रो स्टूडियो हो गया इसमें भी पहले से आता है, और जो अगर कोई कोड एडिटर है उसमें आप अलग से प्लगइन इंस्टॉल करके गिट को यूज़ कर सकते हो। तो मतलब है कि अब गिट वाइडली सपोर्टेड है, मतलब कि आप इसको यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आपका तो ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड होगा। तो ये थे गिट के कुछ बेनिफिट और गिट की इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि गिट इतना पॉपुलर क्यों है, कुछ गिट के पॉइंट देख लेते हैं कि गिट ऐसा क्या है कि गिट जो पॉपुलर है। सबसे पहला तो ये कि ये फ्री है,
और ओपन सोर्स है। अब आपको पता जो ओपन सोर्स होते हैं प्रोजेक्ट वो टोटली फ्री होते हैं, क्योंकि इसका हमें ओपन सोर्स लाइसेंस होता है, हम इसको अपनी मर्जी से कभी भी कस्टमाइज कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो जो सेकंड फीचर, ये फास्ट है और एफिशिएंट है, तो ऑब्वियस है हर कोई इसको प्रेफर करेगा जो फास्ट होगा, ठीक है ना। कोई ऐसा ही होगा जो स्लो सिस्टम को प्रेफर करेगा, तो ऑलमोस्ट हर कोई फास्ट सिस्टम को ही प्रेफर करता है। और तीसरा क्या है कि जो गिट है वो ईजी टू लर्न है और ईजी टू यूज़ है, मतलब इसको सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। देखने में टर्म लगते हैं इसके कुछ आपको कि हाँ यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या चीज़ है गिट क्या है, बट जब आप इसको करने लगोगे आपको लगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपको 6-7 कमांड को ही हैंडल करना है बस, उसके अलावा तो इसमें होता बहुत कुछ है, बट जो आपके काम की चीज़ें वो 7-8 चीज़ें ही होती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही ईजी है यूज़ करना भी और सीखना भी। और इसका जो अगला फीचर है वो है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड VCS है, मतलब कि इसका कोड जो है दोनों के पास सिंक रहता है, मतलब हर एक यूज़र के पास सिंक रहता है, ठीक है। ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है इसका। और जो लास्ट रीज़न है वो ये है कि वाइडली सपोर्टेड है, मतलब कि हर एक IDE में ये सपोर्ट कर जाता है, या तो पहले से इंस्टॉल्ड है या फिर आप उसमें बाद में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये कुछ रीज़न थे कि ज़्यादातर लोग गिट को प्रेफर करते हैं। मैं खुद भी गिट को प्रेफर करता हूँ, और हो सकता है कि मेरी ये सारी वीडियोज़ देखने के बाद आप भी गिट को ही प्रेफर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.